गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। आईजी ने कोतवाली का निरीक्षण कर किया सैनिक सम्मेलन। टॉप 3 अपराधियों पर कार्यवाही का दिया निर्देश। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर कोतवाली का वाराणसी जोन के पुलिस महानिरीक्षक मोहित गुप्ता ने निरीक्षण किया। एक दिन के दौरे पर गाजीपुर पहुंचे आईजी ने कोतवाली में सैनिक सम्मेलन किया। सम्मेलन में उन्होंने सभी अधिकारी व कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हीरा राजा भी मौजूद रहे। आईजी ने IGRS व जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया। साथ ही विवादित प्रकरणों में निरोधात्मक कार्यवाही, हिस्ट्री शीट व टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की निगरानी तथा छोटी सी छोटी घटनाओं पर भी गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश मातहतों को दिया। आईजी मोहित गुप्ता ने दौरे के दौरान कोतवाली थाना परिसर का भ्रमण कर कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, जन सुनवाई, CCTNS, मेस बैरक, मलखान व शस्त्रागार आदि का निरीक्षण किया। इसी के साथ कोतवाली क्षेत्र के चौकीदारों को टॉर्च व साफा वितरण किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए आईजी जोन मोहित गुप्ता ने कहा कि थाना कोतवाली के निरीक्षण के लिए गाजीपुर आया हूँ। इस दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी गई हैं। साथ ही आने वाले दीपावली पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के मद्देनजर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, चौराहों पर और स्वर्ण आभूषण की दुकानों के आसपास पुलिस की विशेष मुस्तैदी रहेगी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, नगर क्षेत्राधिकारी, नगर प्रभारी, निरीक्षक कोतवाली व अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आज मैं थाना कोतवाली गाजीपुर के यहाँ पे औचक मुआयने पे आया था। यहाँ पर मैंने आके सभी कर्मचारियों के साथ सम्मेलन किया, उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद मैंने थाना परिसर का भ्रमण करके यहाँ पे शस्त्रागार, यहाँ पे हमारे जितना भी बैरक है, मेस है, कार्यालय है, उनका महिला हेल्प डेस्क है, आगंतुक कक्ष रजिस्टर है, इन सबका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो अभिलेख है उनका निरीक्षण किया और यहाँ पे उसको सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। जब आप किसी गरीब व्यक्ति या किसी पीड़ित व्यक्ति को मदद करते हैं, न्याय देते हैं, तो अच्छा लगता नहीं लगता? तो उस भाव के साथ कि आप मदद करेंगे तो केवल ड्यूटी नहीं कर रहे, एक जन सेवा के रूप में भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आप अच्छा काम करेंगे उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा विभाग की तरफ से, नहीं तो फिर एक तो ये चक्र है, काल चक्र है कि जो आप अच्छा करेंगे तो भगवान भी आपके साथ अच्छा करेगा। तो आपको पुलिस की सेवा में भगवान मौका देता है कि लोगों की, गरीबों की मदद करिए और बदले में ऊपर वाला भी और विभाग भी आपकी इस मेहनत के, आपकी इस भाव की उसको रिकग्नाइज करेगा और आपको कुछ ना कुछ उसका भगवान फायदा देगा। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा और ये चाहूंगा कि यहाँ की जो भी जनता, यहाँ पर नागरिक हैं, उनकी आप अच्छे से सेवा करेंगे, ड्यूटी अपनी कर्मठ रूप से करेंगे।